एनसीसी न्यूज चैनल अकोला में मैं सुमैया अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अधिकारी कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र अकोला शाखा की ओर से अपनी कई मांगों को लेकर दिनांक 11/4/2018 से जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बेमुद्दत काम बंद धरने का आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें कर्मचारी बड़ी मात्रा में उपस्थित थे और उन्होंने एमएनसी न्यूज चैनल से बोलते हुए अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, आइए डालते हैं राहुल इंगोले की इस रिपोर्ट पर एक नजर। ये देखिए, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान एमएनसी न्यूज़ चैनल अकोला के जरिए से आपको बताया जा रहा है। सभी कर्मचारी जो है यहाँ पर इस वक्त इस पिंडौल में मौजूद है और ये किस लिए इन्होंने आज यहाँ पे धरना दिया है और क्या समस्या का निवारण चाहते हैं, किस तरीके से आज अकोला जिला अधिकारी कार्यालय के सामने ये आप देख सकते हैं कि भव्य पिंडौल यहाँ पर और बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे हैं। आपण हे जे धरना आंदोलन इथं सुरू केलेलं आहे याच्या मागचा आपला उद्देश काय आहे? गेली 10 ते 12 वर्षापासून इथे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानामध्ये कर्मचारी अधिकारी कार्यरत आहे आणि 10 वर्षापासून केलेली त्यांची सेवा ही अतिशय उत्कृष्ट मानधनावर केलेली आहे आणि शासन हे एवढं नीट म्हणजे हे झालं आहे की त्यांच्या साध्यासुद्धा मागण्यासुद्धा मान्य करत नाही आहे। गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून ते काम करतो आहे तर त्यांची वयसुद्धा निघून गेली, त्यामुळे 40-42 ओलांडणारीसुद्धा अधिकारी कर्मचारी वर्ग आहे, त्यांना मिळणारं मानधन हे अल्पशी आहे। त्या मागणीसाठी आम्ही इथे आंदोलन करतो आहे की आम्हाला समान काम समान वेतन देण्यात यावं आणि आम्हाला शासकीय सेवेमध्ये समायोजित करण्यात यावं, जेणेकरून शासनाची सेवा करताना कुठल्याही प्रकारचं आम्हाला हे करता येणार नाही। एमएनसी न्यूज चॅनल सोबत बोलल्याबद्दल आपले धन्यवाद। चॅनल को लाईक करे, शेअर करे और सबस्क्राईब करना ना।